तो जैसे ही आपको पता चला कि स्टेबल डिविजन से आप फ्री में मिड जर्नी क्वालिटी की AI बना सकते हैं, आप एक्साइटेड हो गए, आपने ट्यूटोरियल ढूंढने शुरू कर दिए, बहुत पढ़ाई कर लिया, रिसर्च कर लिया, स्टेबल डिविजन को इंस्टॉल करने का ट्यूटोरियल देखा, लेकिन जब आपने कोशिश की इंस्टॉल करने की तब आपको रियलाइज़ हुआ कि आपके कंप्यूटर में हाई एंड GPU नहीं है जिसके अंदर 4GB प्लस VRAM हो, या एट ऑल कोई GPU ही नहीं है, पुराने ज़माने का कंप्यूटर है, और आप निराश हो गए कि यार अब मैं स्टेबल डिविजन इंस्टॉल नहीं कर सकता, नहीं चला सकता, तो निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कैसे आप गूगल कोलैब को इस्तेमाल करके फ्री में किसी भी पुराने से पुराने ज़माने के कंप्यूटर के ऊपर स्टेबल डिविजन रन कर सकते हैं। पर ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करनी है, वो ये कि मैं अपने एनालिटिक्स चेक कर रहा था और उसके अंदर जो मेरा ट्रैफिक लिखा हुआ था उसमें था कि 90% लोग जो मेरा चैनल देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। राइट नाउ मेरे टोटल सब्सक्राइबर अराउंड 10,000 के आसपास होने वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ 10% है, 90% लोग जो देख रहे हैं चैनल को उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। यानी कि अगर आप सब लोग सब्सक्राइब कर लो तो मेरे सब्सक्राइबर 1,00,000 से ऊपर हो सकते हैं, बट आप कर नहीं रहे फॉर सम रीज़न। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको कंटेंट इतना अच्छा लग ही रहा है कि आप देख तो रही हो तो यार एक सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो, क्या फ़र्क पड़ता है कौन सा आपके पैसे लग रहे हैं, राइट। मैं भी यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ, तो डू सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपकी कभी भी मिस ना हो। अब चलते हैं आगे ट्यूटोरियल की तरफ। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देता हूँ गूगल कोलैब होता क्या है। आप सब लोगों को गूगल ड्राइव के बारे में पता होगा कि आपने कोई भी अपनी जीमेल से आईडी बनाई है तो आपको 15GB का स्पेस मिलता है गूगल ड्राइव के ऊपर फ्री, तो उसको आप इस्तेमाल करें या ना करें, खाली पड़ी रहती है कई बार तो मोस्टली लोगों की, उसके अंदर आपकी मेल्स वगैरह भी स्टोर होती हैं जीमेल की। अब उस ड्राइव स्पेस को इस्तेमाल करके गूगल आपको एक तो स्पेस दे रहा है वो वाला जो फ्री में आपको 15GB मिला है, उसके ऊपर अगर आपको जाना तो आप पेड भी ले सकते हो, बट इतना तो सबको फ्री मिलता ही है 15GB विद एवरी जीमेल आईडी। और गूगल कोलैब के ऊपर अगर आप जाएंगे, सिंपली आप अगर लिखेंगे गूगल के ऊपर गूगल कोलैब और एंटर करेंगे तो गूगल कोलैबोरेटरी एक वेबसाइट खुल जाएगी, उसके अंदर आपका वही ड्राइव रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर कोलैब का एक पेज खोला हुआ है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। ये पेज स्पेसिफिकली स्टेबल डिविजन के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फास्ट स्टेबल डिविजन ऑटोमेटिक 11.11, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप खोल सकते हैं। जब आप इसको खोलेंगे ऊपर कहीं पे आपको इस तरह से अपना नाम वगैरह, आप लॉग्ड इन अगर होंगे ऑलरेडी गूगल में तो दिखाई दे जाएगा, अगर नहीं होंगे तो यहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा और आपका अकाउंट यहाँ पे खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्ट लिखा हुआ है, इस पर मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे कनेक्शन की ऑप्शन है, अभी ये कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि कनेक्ट आप कर सकते हैं फिलहाल। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मैं समझाऊंगा बाद में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। पहले हम ये समझ लेते हैं गूगल कोलैब करता क्या है। बेसिकली इसके ऊपर आप कोई भी कोड रन कर सकते हो, तो गूगल आपको प्रोवाइड करता है अपने GPU, आपके कंप्यूटर के अंदर GPU नहीं है नो प्रॉब्लम, गूगल के पास GPU है और ये आप ऑनलाइन चलाओगे वेब के ऊपर, आपके पास इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए और आप जब कनेक्टेड होगे नेट के साथ में और अपने गूगल ड्राइव के ऊपर आप रन करोगे तो ये सारा कोड जो हम रन करते हैं लोकली पाइथन का वो गूगल ड्राइव पे आपके रन हो जाएगा। तो उसको गूगल ड्राइव कह लीजिए, एक्चुअली गूगल कोलैब के ऊपर रन होगा और वहाँ पर रन करके आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा लेकिन जो रनिंग ऑफ कोड है वो आपकी लोकल कंप्यूटर की बजाय गूगल कोलैब के ऊपर होगी। तो गूगल के GPU इस्तेमाल होंगे और आप जो भी अपना प्रॉम्प्ट वगैरह लिखोगे उसको प्रोसेस करने के गूगल का ग्राफिक कार्ड इस्तेमाल हो रहा होगा। तो ये सिंपली एक्सप्लेनेशन थी, अगर समझ में आई तो ठीक है, नहीं भी समझ में आई तो कोई बात नहीं है। अब ये करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसके ऊपर क्लिक करना है, इस तरह से आपका पेज खुल जाएगा, यहाँ पे ऊपर आपको लॉगिन कर लेना आपकी गूगल अकाउंट के थ्रू, तो यहाँ पर आपकी इमेज वगैरह जो भी आपने लगाया वो आ जाएगा, आप लॉग इन होंगे आपको दिखाई देगा। सबसे ऊपर यहाँ पर कॉपी टू ड्राइव लिखा है, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप कॉपी टू ड्राइव पे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे लिखा गया क्रिएटिंग ए कॉपी और ये नए जो है टैब के अंदर आपकी कॉपी खुल जाएगी, तो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली चीज़ हो जाएगी, अब आपके नए टैब पे कॉपी खुल गई। आपको फ़र्क कैसे पता लगेगा, अगर आप यहाँ देखेंगे ऊपर लिखा है फास्ट टेबल डिफ्यूजन ऑटोमेटिक 11.11 और यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है कॉपी ऑफ फास्ट टेबल डिफ्यूजन ऑटोमेटिक 11.11, तो पहले वाले को आप बंद कर सकते हैं, अभी हम तो ये कॉपी वाले पे काम करेंगे। और ये कॉपी कहाँ पे होगा एक्चुअली, अगर आप अपने कंप्यूटर पे अपनी गूगल ड्राइव को खोलेंगे, जैसे मैं यहाँ पर आपको खोल के दिखाता हूँ, तो ये मेरी गूगल ड्राइव है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ फाइलें वगैरह पड़ी हुई हैं और यहाँ पर कोलैब नोटबुक्स लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो भी मैंने कोलैब की नोटबुक्स कॉपी की हुई हैं वो दिखाई देती हैं। तो मेरे यहाँ पर फास्ट ड्रीम बूथ है और ये अभी जो मैंने किया है कॉपी ऑफ फास्ट टेबल डिफ्यूजन ऑटोमेटिक 11.11 यहाँ पर आ गया। तो आपके केस में हो सकता है खाली होगा क्योंकि आपने इससे पहले नहीं की होगी ये चीज़, तो आपको सिर्फ ये एक फाइल यहाँ पर नजर आएगी, राइट। इसको बस मैंने कॉपी यहाँ पर बना ली है, अगर ये ना भी करे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बट ठीक है आपके पास कॉपी बनी रहती है तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है। अब यहाँ पर हमारे पास कॉपी आ चुकी है, दैट्स इट। यहाँ से अगला स्टेप क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा सा ये बटन बना हुआ है प्ले टाइप का, ये जहाँ जहाँ पर भी ये बटन बने हैं इनको आप जब प्ले करेंगे तो ये आपका इस जगह पर लिखा हुआ कोड रन कर जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली पहले मैं इसको कर देता हूँ क्लिक और जैसे मैं क्लिक करूँगा ये यहाँ पर इसकी कोड रन करना शुरू कर देगा और
यहाँ पर कनेक्ट टू गूगल ड्राइव है फर्स्ट स्टेप, और जैसे मैंने किया तो यहाँ पर कनेक्ट जहाँ लिखा था ना उसके लिए कनेक्टिंग लिखा आ गया, तो अब ये गूगल कोलैब के साथ कनेक्ट कर रहा है, यानी कि अब मुझे चीज़ें अलोकेट होंगी यहाँ पर, कुछ मुझे स्पेस और कुछ मुझे जो है रैम वगैरह यहाँ पर दी जाएगी। कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया है, अब आप देख सकते हैं रैम और डिस्क लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पर रैम और डिस्क यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। इसके ऊपर मैं क्लिक करके रखता हूँ तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, अब यहाँ पर ये एक बार परमिशन भी मांगेगा, परमिट दिस नोटबुक टू एक्सेस योर गूगल ड्राइव फाइल्स, तो ये आपको कनेक्ट टू गूगल ड्राइव करना है, अगर इसे आप नो थैंक्स कर दोगे कनेक्शन नहीं होगा। तो मैं कनेक्ट टू गूगल ड्राइव करता हूँ, ये मुझसे पूछेगा कौन से अकाउंट से आपको करना है, तो आपका अकाउंट यहाँ पर लिखा आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर जो भी चीज़ लिखी आ रही है उसके नीचे यहाँ पर अलाउ पे क्लिक करना है, और आपका यहाँ पर ये कनेक्शन बन जाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ों को आपने यस यस लॉग इन करके अलाउ कर देना है। फिर यहाँ पर ये आपका ये सर्कल घूमना शुरू हो गया, अब ये कनेक्टिंग यहाँ पर कर रहा है, एक्चुअल कनेक्शन यहाँ पर बन रहा है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट सेल पे आना, इनको सेल्स बोलते हैं, ये एक बॉक्स है ना, जैसे इसको एक सेल बोलेंगे अगला सेल है, हर सेल पे यहाँ पे प्ले की ऑप्शन है, यहाँ पर लिखा है इंस्टॉल अपडेट ऑटोमेटिक 11.11 रिपो, इस पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि यू मे बी एग्जीक्यूटिंग ए कोड दैट इज डिसअलाउड, ये जो आपका रन टाइम को वो कर देगा कर देगा, कुछ भी लिखा हुआ है इसको टेंशन मत लेना, इसको कंटिन्यू एनी वे कर देना है आपने। तो यहाँ पर एक कोड रन होना शुरू हो जाएगा, ये बेसिकली वही काम कर रहा है जो हम ऑटोमेटिक 11.11 अपना लोकली इंस्टॉल करते थे, वो अब ये इस चीज़ को गूगल ड्राइव के ऊपर आपके इंस्टॉल कर रहा है, राइट। देन रिक्वायरमेंट्स जो है इस पर क्लिक करना है, तो ये पाइथन की जो रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पर आपका इंस्टॉल कर देगा, इंस्टॉलिंग रिक्वायरमेंट लिखा हुआ आ गया, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, उसके बाद में यहाँ पर डन यहाँ पर भी लिखा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप है मॉडल डाउनलोड या लोड का, तो यहाँ पर आपको अगर क्लिक करेंगे ऑप्शन मिलेगी 1.5 इन पेंटिंग, ये 768 2.1 अलग अलग ऑप्शन है, तो 1.5 पे रखिएगा अगर आपने पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं किया इसको, यही मॉडल हम करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप यहाँ पे अपनी मर्जी का मॉडल का पाथ भी दे सकते हो, राइट। अब पाथ कैसे दोगे, अगर मैं यहाँ पे आपको एक फोल्डर का बटन बनाया ना, इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी जी ड्राइव आपको दिख जाएगी, अगर मैं इस पर जी ड्राइव पर क्लिक करता हूँ, ये माई ड्राइव, और इसके अंदर ये सब कुछ जो मेरा गूगल ड्राइव के अंदर यहाँ बाहर आपको नज़र आ रहा था ना, यही सब कुछ यहाँ पर अंदर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, राइट। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कोलैब नोटबुक्स भी है मेरी, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे को वो कॉपी ऑफ फास्ट टेबल डिवीजन भी दिख रहा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप एसडी लिखा हुआ आ गया, ये फोल्डर पहले नहीं था अभी बन गया, ये स्टेबल डिफ्यूजन का फोल्डर बना है जब मेरी इंस्टॉलेशन अभी ऊपर हुई है, और इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर स्टेबल डिफ्यूजन वेब यूआई और स्टेबल डिफ्यूजन नाम के दो फोल्डर हैं, अगर इसमें क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर सारे वही फोल्डर हैं, और मॉडल्स में मैं जाता हूँ तो यहाँ पर स्टेबल डिफ्यूजन के अंदर जा करके यहाँ पर लिखा हुआ है पुट स्टेबल डिफ्यूजन, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे कर दूँ, चेक पॉइंट्स हियर, तो अभी कोई भी चेक पॉइंट नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पर अपना कोई चेक पॉइंट अलग से डाउनलोड किया वो यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो कोई देखी है स्टेबल डिफ्यूजन के ऊपर, मैं उसके अंदर प्रोटोजेन मॉडल यूज़ करता हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत तरह के मॉडल्स हैं, वो आप यहाँ पर भी डाउनलोड करके डायरेक्टली यहाँ पर सेव कर सकते हैं, और इधर से फिर क्या कर सकते हैं आप राइट क्लिक करके और यहाँ से कॉपी पाथ करके वो पाथ यहाँ पर आप डाल सकते हैं अगर आपको कोई कस्टम मॉडल यूज़ करना है। ये उन लोगों के लिए जिनको पहले से थोड़ा बहुत ये पता है और वो अपना कस्टम मॉडल यूज़ करने जाते हैं, जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको सिंपली यहाँ पर ये प्ले पे इसको क्लिक कर देना है, उससे क्या होगा कि ये 1.5 मॉडल जो है इसको डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। और ये मॉडल थोड़े बड़े होते हैं, जीबीस के अंदर होते हैं, तो थोड़ा आपको हो सकता है यहाँ पर टाइम लगे, तो पेशेंस रख करके उसको आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, राइट। और यहाँ पर सेफ टेंसर्स को आप ऑन कर सकते हैं, और दैट्स इट, इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये मॉडल यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पर नीचे कोड यहाँ पर लिखा आ जाएगा, जो भी चीज़ हो रही है 1.5 वर्जन यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है आपका, ठीक है। अब हम इंतज़ार करेंगे इस चीज़ के होने का। मीनवाइल मैं एक चीज़ करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से जो है प्रोटोजेन का मॉडल भी इसके अंदर यहाँ पर डाल देता हूँ, तो वो करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली अपनी यहाँ पर जी ड्राइव में जाना है, और जहाँ पर मेरा ये एसडी इंस्टॉल हुआ है, स्टेबल डिफ्यूजन एंड नॉट दिस वन, स्टेबल डिफ्यूजन वेब यूआई मॉडल्स, इसके अंदर स्टेबल डिफ्यूजन, यहाँ पर मैं अपना जो है चेक पॉइंट रख देता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, और ये 3 GB का है, वहाँ पर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो चुकी है जो हम डाउनलोड कर रहे थे, और यहाँ पर भी मैंने ये कॉपी लगा दिया है, तो 3 GB का ये मैंने प्रोटोजेन का मॉडल यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पर ये आ गया है, लेकिन ये अभी यहीं पर है तो ये ऑनलाइन अपलोड होगा, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर मॉडल हमारा डाउनलोड हो गया है, डन हो गया है। अगर आप देखें तो स्टेबल डिफ्यूजन के यहाँ पर आपको मॉडल CKPT नज़र आ रही है, राइट, तो ये हमारा डिफॉल्ट मॉडल है। नेक्स्ट चीज़ आपकी कंट्रोल नेट है, और कंट्रोल नेट में आप क्या है कि यहाँ पर भी अभी आप कंट्रोल नेट का मॉडल जो भी आप चाहें वो डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है अभी कंट्रोल नेट के बारे में, तो फिलहाल इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। मैं कंट्रोल नेट के ऊपर आगे क्लास लेकर के आऊँगा, तो उस टाइम पे भी हम ये डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, कंट्रोल नेट के से आप जो है कई तरह की चीज़ें कर सकते हैं। नॉर्मली आप अपना जो इमेज बना रहे हो सिर्फ टेक्स्ट से बना रहे हैं,
कंट्रोल नेट के थ्रू आप इमेज का पोज वगैरह कैसा रहेगा उसमें कैरेक्टर का, या डेप्थ कैसा रहेगा, वो आप अपनी मर्जी डिसाइड कर सकते हैं और ज़्यादा कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं अपनी इमेजेस के ऊपर। ये एडवांस क्लास के अंदर मैं नेक्स्ट लेकर के आऊँगा, फिलहाल के लिए इसको हम छोड़ देते हैं। और यहाँ पर स्टार्ट स्टेबल डिफ्यूजन जो है इस पर हमने क्लिक करना है, और यहाँ पर आपका सिंपली इसको मैं यहाँ पर बटन मैंने प्रेस किया तो ये थोड़ी देर यहाँ पर ये रोटेट हो रहा है, बट ये डन नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि ये चलता रहेगा तब तक ही आपका स्टेबल डिफ्यूजन चलेगा। जिन लोगों को पता है लोकली भी जैसे हम करते हैं तो हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो रन करता रहता है और एक लिंक जनरेट कर देता है। उस लिंक को जब हम कॉपी करते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर तो उस लिंक के थ्रू हमारा ऑटोमेटिक 11.11 रन करता है और वहाँ पर हम जो भी प्रॉम्प्ट्स डालते हैं वो प्रॉम्प्ट्स के थ्रू हमारे रिजल्ट बनते रहते हैं। तो ये इसके डन होने का इंतज़ार नहीं करना आपने, बस ये इंतज़ार करना है कि थोड़ी देर ये प्रोसेस होने के बाद में यहाँ पर आपको URL दे देगा। तो रनिंग ऑन पब्लिक URL इस तरह का लिखा हुआ आ गया, राइट। आपने इस URL के ऊपर क्लिक करना है, ये आपका अलग से जैसे विंडो के अंदर यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप guardio.live लिखा हुआ है। Guardio बेसिकली ऑटोमेटिक 11.11 के वेब UI को ही बोलते हैं। तो यहाँ पर ये खुल गया है और ये जो है सेम ऑटोमेटिक 11.11 का जो है आपका विंडो ओपन हो गई है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो सिर्फ एक मॉडल CKPT ही नज़र आएगा क्योंकि दूसरा वाला अभी अपलोड नहीं हुआ है। और जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये अब यहाँ पर चेक कर रहा है कि कोई और तो नहीं आया, और यहाँ पर फिलहाल एक ही है वो, क्योंकि अगर मैं विंडो में जा करके देखता हूँ तो सिंपली यहाँ पर अभी ये देख रहे हैं यहाँ पर बटन ये बना हुआ, यानी कि ये अभी अपलोड हो रहा है ऊपर, ये हुआ नहीं है, राइट। तो मॉडल CKPT हो रखा है और ये वाला अभी चल रहा है, ये स्लो है प्रोसेस थोड़ा सा। फिलहाल कोई बात नहीं, हम जो डिफ़ॉल्ट है इसको यहाँ पर रखते हैं और कुछ भी आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। Studio Portrait of a Dog Studio Lighting ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और जनरेट पर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा वेटिंग लिखा हुआ है और अभी आपकी इमेज जो है यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। फर्स्ट टाइम ज़्यादा लगता है, एक बार जनरेट हो जाएगी उसके बाद आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो पहली बार थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता ही है। यहाँ पर आपके डॉग का यहाँ पर बन करके आ गया है। आप यहाँ पर रिस्टोर फेसिस पे भी क्लिक कर सकते हैं और जब भी आप रिस्टोर फेस क्लिक करेंगे तो भी एक बार को ये जो है स्पीड आपकी कम होगी। तो दोबारा जनरेट पर मैं क्लिक करता हूँ तो 95% पर थोड़ा सा स्लो होगा और फिर ये एक बार हो जाएगा, उसके बाद थोड़ी इमेज जनरेशन फास्ट हो जाएगी क्योंकि रिस्टोर फेस जैसे हम ऑन करते हैं कुछ उसके लिए स्पेसिफिकेशन ये डाउनलोड करता है तो एक बार फर्स्ट टाइम ये टाइम लेता है, आफ्टरवर्ड जो चीज़ आपकी जो है फास्ट हो जाएगी। तो ये जनरेट हो गया आपका, इस तरह का रिजल्ट आया। दोबारा इस पर जनरेट पे क्लिक करते हैं, अब की बार थोड़ा ये जल्दी हुआ है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मैंने यहाँ पर लिखा है डॉग का पोर्ट्रेट और साथ में रिस्टोर फेस ऑन कर दिया तो ये डॉग के फेस को ह्यूमन जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये कंप्लीट डिजास्टर लग रहा है। तो मैं यहाँ पर डॉग हटा करके यहाँ पर कर देता हूँ फैशन मॉडल। अब देखते हैं अभी कोई ह्यूमन फेस यहाँ पर आएगा तो उस केस में रिस्टोर फेसेस बेटर काम करेगा। तो यहाँ पर ये फैशन मॉडल की इमेज बन करके आ गई है। NSFW इमेज तो नहीं है एज सच, बट हाँ इसमें ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गई। तो अगर आप बचना चाहते हैं इन चीज़ों से तो यहाँ पर आप नेगेटिव प्रॉम्प्ट के अंदर न्यूडिटी और NSFW यानी कि नॉट सेफ फॉर वर्क यहाँ पर डाल सकते हैं, फिर आप जब इमेज जनरेट करेंगे तो इस तरह का जो है सिचुएशन नहीं होगी आपके सामने, यहाँ पर आपकी क्लीन इमेजेस आएंगे नॉर्मल। तो इस केस में हमारे को ये स्टूडियो एनवायरनमेंट के अंदर ये इमेज यहाँ पर आ गई है। और इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर साइज़ थोड़ा बढ़ाता हूँ इसका यहाँ से हाइट वाइज, ताकि थोड़ी लंबी इमेज है। फेस पोर्ट्रेट कर देते हैं इसको एंड देन हम इसको जनरेट करते हैं। अब क्या है कि ये जो भी इमेजेस जनरेट हो रही हैं ये डिफ़ॉल्ट मॉडल जो स्टेबल डिफ्यूजन का उसके थ्रू जनरेट हो रही हैं। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस फॉलो की हैं कि आप अगर कोई और मॉडल इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों ने और बहुत तरह के मॉडल ट्रेन किए हैं जो बहुत एडवांस्ड हैं ज़्यादा डिटेल्ड हैं, उनके अंदर रिजल्ट आपके और बेटर निकल करके आते हैं। तो थोड़ा इमेज साइज मैंने बढ़ाया तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब यहाँ पर इस तरह की इमेज आ रही है, दोबारा जनरेट करते हैं तो थोड़ा सा बेटर रिजल्ट हम अपने प्रॉम्प्टिंग वगैरह को ठीक करके कर सकते हैं। पहले एक दो रिजल्ट थे हमारे, उनसे बेटर रिजल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। ऑफ एन इंडियन फैशन मॉडल मैं कर देता हूँ, साथ में यहाँ पर 4K 8K ये मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ, अल्ट्रा शार्प ताकि थोड़ी क्वालिटी बढ़ जाए, F1.4 टेली फोटो स्पेस कैमरा, ये कुछ मेरे को याद हो रखे हैं, बाकी आप भी ये भी यूज़ कर सकते हैं और आप भी प्रॉम्प्ट वगैरह ढूंढ सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। मैंने इसके ऊपर भी ट्यूटोरियल बनाया कि प्रॉम्प्ट्स की अच्छी वेबसाइट कौन सी हैं जहाँ पे आपको फ्री में बहुत अच्छे प्रॉम्प्ट मिल जाते हैं। अब ये मैं यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह का रिजल्ट हमने अब अचीव कर लिया है डिफ़ॉल्ट मॉडल के अंदर ही। तो कई बार लोगों को लगता है कि डिफ़ॉल्ट मॉडल से अच्छे रिजल्ट निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। डेफिनेटली डिफ़ॉल्ट मॉडल से बेटर मॉडल्स बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन अगर आप अपने प्रॉम्प्ट्स को बहुत ज़्यादा डिटेल लिखेंगे तो आप बेस मॉडल से भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हैं। और अगर आप अपनी ड्राइव में जाएंगे तो यहाँ पर जो आपका स्टेबल डिफ्यूजन का फोल्डर है उसमें वेब UI है, यहाँ पर आउटपुट नाम का फोल्डर जो है आपका, इसके अंदर आपके सारी इमेजेस बन करके आ रही होंगी एज यूजुअल। अगर आपने मेरा नॉर्मल स्टेबल डिफ्यूजन का ट्यूटोरियल देखा है तो उसके अंदर मैंने बताया था आपको यहाँ पर सारी आपकी इमेजेस सेव होती हैं। ये थोड़ा यहाँ पर हैंग हो गया एक बार लोड कर रहे हैं इनको,
तो जो भी हमने डॉग वगैरह जो भी इमेजेस बनाई थी वो सारी यहाँ पर हमको नज़र आ रही हैं। इनको मैं अब यहाँ से उठा करके शिफ्ट डिलीट कर देता हूँ, खाली कर देता हूँ स्पेस को। तो ये आपको क्लीन भी करते रहना साथ साथ में, ताकि आपकी पूरी की पूरी ड्राइव भर ना जाए। अभी मैंने जो प्रोटोजन का मॉडल यहाँ पर कॉपी करने की कोशिश की थी वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी ड्राइव भर चुकी है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी ड्राइव में स्पेस हो, अगर स्पेस नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, वो फिर आपका काम नहीं करेगा ये सब कुछ। अगर आपके ड्राइव में स्पेस होगा तभी अच्छे से ये चीज़ें रन कर पाएंगी। तो अभी मैंने बंद कर दी सारी विंडोज़, सिर्फ ये बताने के लिए आपको कि अगर आपको दोबारा कभी खोलना हो तो कैसे खोल सकते हैं। सिंपली आपको गूगल कोलैब लिखना है यहाँ पर, गूगल कोलैब सिंगल एल इसमें आएगा, और यहाँ पे आपने क्लिक किया और ये आपकी गूगल कोलैब जो ऊपर सबसे लिखा हुआ है इसको आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आपका गूगल कोलैब खुलेगा एक सामने आपको विंडो नजर आएगी जिसके अंदर आपके रीसेंट चीज़ें जो आपने की हैं वो आपको नजर आएंगी। तो आपको यहाँ पर जैसे मेरे केस में काफ़ी चीज़ें आ रखी हैं, आप ये इसमें अगर आपने फर्स्ट टाइम किया तो यहाँ पर कॉपी ऑफ फास्ट टेबल डिफ्यूजन ऑटोमेटिक 11:11 ऐसे लिखा हुआ आ रहा होगा टॉप पे, तो आपने इसको यहाँ पर क्लिक कर देना है और ये ऑटोमेटिकली आपका वही पेज खोल देगा जो हमने मैंने आपको शुरुआत में लिंक दिया था, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जो लिंक है। तो आपको बार बार उस लिंक को सेव करके रखने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार कॉपी कर लिया तो आप की ड्राइव के अंदर वो सेव रहेगा, इस तरह से वो खुल जाएगा। अब आपको सिंपली यही चीज़ें करनी है सेम, सबसे पहले आपको कनेक्ट एंड गूगल ड्राइव पे क्लिक करना है, यहाँ कनेक्टिंग लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये आपसे परमिशन मांगेगा, इसको कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना सिलेक्ट करके अपने अकाउंट को और अलाउ करना है, देन ये आपकी कनेक्शन यहाँ पर बन जाएगा और यहाँ पर डन लिखा हुआ आ जाएगा उसके बाद। तो यहाँ पर ये डन हो गया, उसके बाद अगर आप इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो जी ड्राइव आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। जब तक यहाँ पर कनेक्ट नहीं होगा तब तक आपको जी ड्राइव यहाँ पर नजर आनी शुरू नहीं होगी। तो अगर मैं इसको खोलता हूँ यहाँ पर जी ड्राइव को, इसके अंदर आपको माई ड्राइव और उसके अंदर आपका SD स्टेबल डिफ्यूजन के लिए है शॉर्ट फॉर्म, इसको खोलेंगे आप तो इसमें स्टेबल डिफ्यूजन वेब UI इसको खोलेंगे, इसके अंदर आपके मॉडल्स जहाँ पे हैं मॉडल्स के अंदर स्टेबल डिफ्यूजन, इसके अंदर आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने जो ओरिजिनल इसका था वो चेंज कर दिया यहाँ से, प्रोटोजन V22 एनिम ऑफ, ये मैंने प्रोटोजन का मॉडल यहाँ पर अपलोड कर दिया है और जो मेरा यहाँ पहले से डला होता डिफॉल्ट स्टेबल डिफ्यूजन का वो मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो मैं इस पर अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ 3 डॉट्स के ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपी पाथ की एक ऑप्शन आ रही है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, मैं यहाँ से पाथ कॉपी कर लेता हूँ और इसका क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बताता हूँ अभी। अब यहाँ पर कनेक्शन हमारा हो गया, सेकंड जो है हमारा इंस्टॉल वाले पे हम क्लिक कर देते हैं और कंटिन्यू एनीवे, तो ये ऑटोमेटिक 11:11 का रेपो को इंस्टॉल कर लेगा। इसको दोबारा रन करने से बेनिफिट भी हो जाता है कि कोई नया अपडेट अगर आपका आया होगा तो वो भी यहाँ पर आपका इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक 11:11 का। देन रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करेंगे ताकि कोई भी मिसिंग रिक्वायरमेंट ना रहे आपकी। तो ये सेल हमारा कंप्लीट हो गया, डन हो गया है। नेक्स्ट है मॉडल डाउनलोड। अब इसके अंदर हम सीधा इसको रन नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारा 1.5 मॉडल जो CKPT स्टेबल डिफ्यूजन का डिफॉल्ट है वो डाउनलोड हो जाएगा। हम यहाँ पर पाथ जो है सेकंड ऑप्शन है और पाथ टू मॉडल, इसके अंदर हम Ctrl+V पेस्ट करेंगे और ये पेस्ट क्या हुआ है, ये वही जो हमने यहाँ से कॉपी किया था ये वाला जो है, इसको हमने कॉपी पाथ की ऑप्शन थी वो यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। तो अब यहाँ से इसको उठाएगा ये। अब आप जैसे इसको रन करेंगे सेल को ये साथ के साथ ही डन हो जाएगा क्योंकि ये सामने पड़ा ही हुआ है ऑलरेडी मॉडल। तो जैसे ही मैंने प्ले किया ये फटाफट इसको चेक करेगा और ये ग्रीन टिक आ गया और यहाँ पर ये डन आ गया यूजिंग द ट्रेन मॉडल। कंट्रोल नेट को हम स्किप कर देते हैं। अब स्टार्ट स्टेबल डिफ्यूजन इस पे आते हैं, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो अब स्टेबल डिफ्यूजन इस नए मॉडल के साथ में हमारा ओपन होगा और यहाँ पर जो लिंक आ जाएगा बस उसको हमने ओपन करना है। अच्छा, ये अपलोड करने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगी क्योंकि मेरी ड्राइव भर गई थी, तो मुझे बहुत सारा ड्राइव से अपना सामान निकालना पड़ा, डिलीट करना पड़ा और ट्रैश वगैरह भी एम्प्टी किया। तो आपको ये देखना है आपकी ड्राइव में स्पेस होना बहुत बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप क्योंकि 3-4 GB का तो ये अकेला मॉडल ही था। उसके बाद हम जो इमेजेस भी जनरेट करेंगे वो जनरेट करते टाइम भी हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि इमेज जनरेट नहीं हो रही है या फिर मतलब किसी ना किसी वजह से क्रैश हो रहा है आपका स्टेबल डिफ्यूजन रन करते हुए कोलैब के थ्रू। तो उसका मतलब यह है कि आपके स्पेस भर चुकी है आपकी ड्राइव के अंदर। तो जी ड्राइव के अंदर आपके पास हमेशा स्पेस होनी चाहिए। अगर आप स्टेबल डिफ्यूजन इस्तेमाल कर रहे हैं किसी अकाउंट से तो उसमें कुछ और चीज़ ना डालें, आपकी जी ड्राइव को पूरा खाली रखें 15 GB को, क्योंकि स्टेबल डिफ्यूजन की इंस्टॉलेशन ही काफ़ी स्पेस ले लेती है और ये मॉडल जो है आप कोई डालेंगे तो वो भी स्पेस ले लेता है। ऐसे हज़ारों मॉडल मत भर दें उसके अंदर, जो आपको यूज़ करने सिर्फ वही एक पर्टिकुलर मॉडल रखेंगे तो आपको इजीली काम आप कर पाएंगे। तो काफ़ी देर लग गई इस बार ये इसको रन होने में, थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। ये हमारा लिंक आ गया है तो इस लिंक पर मैं क्लिक करता हूँ, ये नई टैब के अंदर खुल जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोटोजन मॉडल यहाँ पर आया हुआ है और इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो सिर्फ ये नज़र आएगा और कोई मॉडल नहीं है यहाँ पर, मैंने पहले वाला डिलीट कर दिया था। अब यहाँ पर अगर हम कुछ लिखते हैं सिंपली ऐसे ही पोर्ट्रेट ऑफ फैशन मॉडल, अब मैंने लास्ट टाइम शायद इंडियन लिखा था, पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन फैशन मॉडल स्टूडियो लाइटिंग
4K 8K अल्ट्रा शार्प सेम चीज़ें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सिनेमैटिक प्रोफेशनली कलर ग्रेडेड ऑलमोस्ट सिमिलर मैंने यहाँ पर रख दिया। और इधर मैं लिख देता हूँ न्यूडिटी NSFW, रिस्टोर फेसेस को यहाँ पर ऑन कर देते हैं, इसको हम 704 कर देते हैं। अब मैं करता हूँ जनरेट पे क्लिक। तो फर्स्ट इटरेशन जैसे मैंने आपको बताया था टाइम लगता है थोड़ा सा ज़्यादा, और रिस्टोर फेसेस ऑन करने की वजह से भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको वेट करना है अभी पेशेंटली। एक बार जो पहली बार हो जाएगा उसके बाद सेकेंड इटरेशन जल्दी आपकी आ जाएगी। और यहाँ पर ये सेल आपका रन होते रहना चाहिए, स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका यहाँ पर बाई चांस रुक जाती है, यहाँ पर आपका काम खोना बंद हो जाता है, तो आप वापस आके देखेंगे आपका सेल स्टॉप हो गया होगा, राइट। उस वजह से ऐसा होता है, कई बार ये डिस्कनेक्ट हो जाता है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। यूजुअली वैसे ये आपका चलता रहेगा जब तक आपकी गूगल ड्राइव के अंदर स्पेस है, तब तक आपके इश्यूज़ नहीं आने चाहिए कोई भी। मोस्टली कोई इशू आता है तो उसका कारण यही होता है कि गूगल ड्राइव आपकी भर गई है। तो यहाँ पर ये हो गया ये, और इस बार देखिए प्रोटोजेन की वजह से जो है क्वालिटी काफ़ी बेटर निकल करके आई है। दोबारा जनरेट पर क्लिक करता हूँ, इस बार थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये। तो आपका कंप्यूटर कैसा भी हो डजेंट मैटर, अब ये मेरे GPU पे नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये गूगल का जो GPU है वो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ ऑनलाइन में कनेक्टेड हूँ और ये रिजल्ट यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हैं इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट आप अचीव कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी GPU, एनी हैवी हार्डवेयर, सिंपली गूगल कोलैब का इस्तेमाल करके, क्योंकि यहाँ पर उनका GPU इस्तेमाल हो रहा है और दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपको कोई खर्चा भी नहीं आ रहा है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। आपको मैंने पहले ही बताया था कि 90% लोगों ने जो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, कौन सा आपका खर्चा हो रहा है कुछ, है ना। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी इस तरह का और कंटेंट लेकर के आता रहूँगा। उसके अलावा सब सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हैं, सब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो वगैरह कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक क्लियर आओ की ओर से नमस्कार।